हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म नीट यूजी क्वेस्ट चैनल पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं गोविंद शर्मा 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं, मैंने वहाँ फिजिक्स टीच किया है। साथ में मैं डायरेक्टर और एचओडी रहा हूँ अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट का। साथ में मैंने टॉप रैंक प्रोड्यूस की है बच्चों कई बार। साथ में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। ये नीट यूजी का जो सब्सक्रिप्शन है उसके चार फीचर्स हैं जो इसे नीट यूजी को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। हाँ जी, पहला डेली लाइव क्लासेस होती हैं, आप एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल अवेलेबल हैं बच्चों, और पोल अवेलेबल होने से ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फील आता है कि हमारे पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हम ही नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये इसका पहला फीचर है बच्चों। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, एक डेफिनेट रेगुलर इंटरवल में लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं, जिससे आप चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें कहां स्टैंड करते हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इसका पता कर सकते हैं बच्चों। साथ में नीट यूजी में क्या रैंक अप्रोक्स स्टैंड करेगी उसका भी पता कर सकते हैं बच्चों। फिर चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, यहाँ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं बच्चों। मीन्स यहाँ के कोर्सेज जीरो लेवल से स्टार्ट होकर टॉप लेवल तक जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। क्रैश कोर्स, रिपीटर्स के लिए अलग कोर्स, 11th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों के लिए अलग कोर्स, 12th और उसके साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों के लिए अलग कोर्स। तो साथ में हम टाइमिंग 2 months, 4 months, 6 months, 12 months, 24 months के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स चूज कर सकते हैं बच्चों। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, यहाँ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना होता है और कई बार आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ 40 प्लस एजुकेटर फॉर ईच सब्जेक्ट इज अवेलेबल, तो आप उनमें से किसी की भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। साथ में तीनों सब्जेक्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा ऑफलाइन कोचिंग में नहीं होता है बच्चों। वहां पर एक बार क्लास में, जिसकी क्लास में आपको लगा दी गई उसी टीचर से क्लास अटेंड करनी है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में यहाँ लाइव क्लास छूट गई है तो रिकॉर्डेड की फॉर्म में भी वो कोर्स अवेलेबल रहता है, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स को अटेंड करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये चार फीचर्स इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। यहाँ फ्री लाइव क्लासेस होती है एज ए डेमो, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, साथ में इनके फॉलोवर्स हैं, व्यूवर्स हैं बच्चों। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ये नीट यूजी का तीनों सब्जेक्ट के लिए 6,000 रुपीज में मिलता है, पर अगर आप 12 मंथ के लिए लेंगे ना बच्चों तो वो कॉस्ट 6,000 से घटकर 2,500 पर मंथ हो जाएगी, और 24 मंथ के लिए ये
क्या रह जाएगी आपको, 1500 से डिक्रीज होकर 1350 रह जाएगी बच्चों। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जीएस सर, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। साथ में आप मुझे मेरे नंबर पर इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। हाँ जी, ये मेरा नंबर है, आप चाहें तो इस पे इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ये व्हाट्सएप पे आपको किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है वो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। जब आप रेफरल कोड को यूज करेंगे एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। आपका टेलीग्राम का लिंक भी यहां पर मिलेगा बच्चों आपको, वो भी है एट द रेट ऑफ गोविंद शर्मा। हाँ जी, क्लियर है सबको, ये टेलीग्राम का लिंक है बच्चों। तो सब्सक्रिप्शन में आप मेरे कोड को यूज करिए बच्चों, डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं मुझे और अपना मेंटर चूज कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए बच्चों, ये अल्टरनेटिंग करंट का सेकंड सेशन स्टार्ट होता है। एक पहला हमने मॉर्निंग में लिया था 10 o'clock, 12 o'clock पे हमारा थ्योरी का क्लास था इलेक्ट्रोस्टेट का। तो ये क्वेश्चन सेशन है, यहाँ पर केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बच्चों हम। तो ये पहला क्वेश्चन हाजिर होता है अब। यस, हाँ जी, हाँ जी त्रिपाठी जी, हाँ जी शेख साहब, क्लियर है सबको। चेक कीजिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके लिए, एलसीआर सर्किट में पावर पूछिए बच्चों। यार ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये आपका ये एक्सएल, ओमेगा एल, एक्सी, वन अपॉन ओमेगा सी, ये ई, पक्का बच्चों? तो पावर पता है क्या, चार फॉर्मूले होते हैं, ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई, मैं लिख देता हूं सारा, या पीक वैल्यू गिवन है ये भी लिख सकते हैं बच्चों, या फिर आई स्क्वायर आर। सबसे खतरनाक फॉर्मूला है बच्चों थर्ड नंबर वाला। देखो फर्स्ट याद रह जाता है बच्चों को, सेकंड थर्ड तो बहुत ज्यादा याद रहता है क्योंकि ये तो डीसी में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक है बच्चों ये जेड स्क्वायर आर, ये याद नहीं रहता फोर्थ नंबर। और उसमें जेड कितना है फटाक से बोलो, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। अरे बोलो जी, ये आएगा। तो मैं फोर्थ नंबर को यूज कर रहा हूं क्योंकि उसने फोर्थ नंबर को यूज किया है बच्चों। यहां पावर, एवरेज पावर की बात की है, ई स्क्वायर आर जैसे का जैसा, एंड जेड स्क्वायर करेंगे बच्चों इसका, तो क्या होगा, स्क्वायर उड़ जाएगा बच्चों। ये आंसर है बच्चों, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, चेक कीजिएगा बच्चों। हाँ जी, क्लियर है बच्चों, तो आंसर इज सेकंड बच्चों, कौन सा ऑप्शन है। ये सेकंड ऑप्शन है बच्चों। फोर्थ वाले में वैल्यू भरी है बच्चों,
ये और जेड का वैल्यू ये भरेंगे बच्चों, ये आया समझ में? यस, सेकंड ऑप्शन है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए बच्चों। हाँ जी त्रिपाठी जी, पढ़ा ही रहा हूं जी मैं। बिल्कुल सही है गोदारा जी, आपका आंसर उसका पहले का सेकंड ही था। अब इसका आंसर दीजिए बच्चों। चेक कीजिए बच्चों क्या कह रहा है। ये एक इंडक्टर है तो उसके वोल्टेज की वैल्यू 300 वोल्ट है, और कैपेसिटर है वोल्ट मीटर उसकी उसकी भी वैल्यू 300 वोल्ट है बच्चों। ये रेजिस्टेंस है V3, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है, एंड VL इज इक्वल टू VC होने पर क्या होता है बच्चों? रेजोनेंस कंडीशन। एंड रेजोनेंस कंडीशन कैसे याद रखते हैं? RLC सर्किट R सर्किट की तरह बिहेव करता है बच्चों। पक्का क्या बच्चों? तो पूछा है अमीटर का रीडिंग, यहां अमीटर लगा है बच्चों। हाँ जी, तो क्या आएगा? पूछा है V3, चूंकि इन पे ड्रॉप नहीं हो रहा तो 220 सारा का सारा कहाँ होगा यहाँ, क्योंकि जेड की वैल्यू मिनिमम है यहाँ। क्यों? VL इज इक्वल टू VC, तो ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस कंडीशन। हाँ जी बच्चों, जेड मिनिमम आर होगा और वी का वैल्यू आई आर होगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं वी आर ही सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा। हाँ जी, तो वो तो 220 आ गया। एंड करंट क्या होगा? ये आई आर भी है तो आई निकालना है, तो 220/R। बोलो बच्चों, अमीटर आरएमएस वैल्यू नापते हैं यहाँ के, और गलती से हमको आरएमएस वैल्यू ही दे रखी है, मजा आ गया। 220/100, तो बोलो बच्चों कितना आएगा? 2.2 एम्पियर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें वोल्टेज इतना है और हाँ जी करंट इतना है बच्चों? यस, आंसर इज सेकंड बच्चों। पक्का? बढ़े आगे चलिए। तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन है, एसी में भी देते हैं। एक्चुअल में ये एसी पर ही वर्क करता है बच्चों। ईएमआई और एसी किसी में भी पूछ लिया जाता है ट्रांसफॉर्मर। एआईपीएमटी 2010 का क्वेश्चन है, प्री उस टाइम नीट का एग्जाम दो स्टेप में होता था। पहले प्री होता था, फिर मेंस होता था बच्चों। जब भी नीट में चीटिंग होती है ना, तो दो स्टेप में एग्जाम लेते हैं लोग। पहले 10% बच्चे छांट लेते हैं प्री से, फिर उस 10% का
केवल मेट्रो सिटीज में ही एग्जाम कराया जाता है। हाँ जी, पहले आप ट्राई करें। वो देखिए, ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बनाते हैं। ये देखो बच्चों, डायग्राम से एकदम क्रिस्टल क्लियर कट क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। ये ट्रांसफॉर्मर बच्चों, चेक कीजिएगा बच्चों। हाँ जी, ये 220 वोल्ट लगाया बच्चों इनपुट। ये ईपी का वैल्यू है बच्चों, प्राइमरी वाइंडिंग। आउटपुट सर्किट में हमें 440 वोल्ट चाहिए। ये सेकेंडरी वाइंडिंग। यहां ईएस का वैल्यू 440 है और आईएस दे रखा है बच्चों 2 एम्पियर। हाँ जी, और एफिशिएंसी गिवन है बच्चों, चेक करना बच्चों, परसेंटेज नीटा, पी आउट अपॉन पी इन इंटू 100 को कहते हैं एफिशिएंसी। ये पी एस सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी होता है बच्चों इंटू 100, एंड ये आपके पास है ई एस, आई एस, ई पी, आई पी इंटू 100 बच्चों। बोलो आई पी चाहिए, तो डेटा भरने जा रहा हूं। परसेंटेज नीटा 80/100, ई एस आई एस 440 इंटू 2 अपॉन ई पी दे रखा है 220, और आई चाहिए बच्चों, ये लो 2 से 2 टाइम्स उड़ा दो 220 से, ये 4 से कितने टाइम्स 20, तो आई पी इधर 100/20 हो गया। क्या किया, आईपी को उधर ले गए और उधर का 100 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 20 नीचे। सो आंसर इज 5 एम्पियर बच्चों। यस, बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन होगा बच्चों। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है सोलंकी जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, बड़े बच्चों। चलिए तो आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यस, आंसर इज 4th बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर 2011 का क्वेश्चन है। ये 11 तक प्री हुआ था बच्चों, फिर वापस इन्होंने एक एग्जाम कर दिया था 12 में, और 13 में नीट शुरू कर दिया था। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, हाँ जी चेक कीजिएगा बच्चों। एसी में थोड़ा सा बायो वाले बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों, वोल्टेज दे रखा है बच्चों, मैं कैपिटल ई लिख देता हूं, 200√2 sin 100t। यहां से दो चीजें पता चल गई है, एक पीक वैल्यू 200√2 है वोल्ट में, और ओमेगा 100 है बच्चों, रेडियन पर सेकेंड। ये डेटा देते ही पता चल जाना चाहिए। अब ये ई सोर्स है ना, वो कैपेसिटर से बंधा है,
केवल कैपेसिटर है बच्चों ये, तो पहले हमको इसका XC निकालना पड़ेगा। बोलो XC क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा वहां से चुराया, देखो कहां से, ये C बोलो बच्चों, 1 माइक्रो फेरेड 10 की पावर माइनस 6, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 4, 10,000 ओम हो गया बच्चों। पक्का क्या? हाँ जी। अब I क्या होगा? अगर पीक वैल्यू में डिवाइड करेंगे तो पीक वैल्यू आएगी बच्चों ये, तो ये पीक वैल्यू है 10 की पावर 4, तो देखो 10 की पावर 3 को तुम तो 20√2 मिली एम्पियर ये लिखेंगे। हाँ जी, पक्का क्या? लेकिन ये क्या है? पीक वैल्यू है बच्चों। पूछा क्या है? आरएमएस वैल्यू, एमीटर का रीडिंग भी आरएमएस होता है, तो उसमें √2 का डिवाइड करेंगे बच्चों, मिली एम्पियर में, वो मिली एम्पियर में था, तो आंसर है 20 मिली एम्पियर बच्चों, नॉट 4 बच्चों। आंसर इज फर्स्ट, पहला आंसर है बच्चों, यस। क्लियर है? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिर पाइथागोरस आ गया। हाँ जी बोलिए बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम बना लीजिए। इफ यू मेक द डायग्राम, वेटेज ऑफ द क्वेश्चन इज डायग्राम 2.5 ग्राम। हाँ जी, नहीं जी गलत है मोनी जी, बच्चा ढंग से सोचो, फिर मैंने बताया था आपको, चेक कीजिएगा क्या कह रहा है आप, है ना, क्वेश्चन का डायग्राम बना लीजिए पहले। यार ये भी 3 ओम है बच्चों, एक इंडक्टर है उसका एक्सएल भी 3 ओम है, ये फेज डिफरेंस पूछा है, तो मैंने आपको बताया था इसके बदले में ट्रायंगल बना लिया कीजिए, रेजिस्टेंस बेस दिखाता है, इंडक्टर परपेंडिकुलर। अब पूछा है ये बताओ एंगल फाई कितना होगा, और जिसके परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो तो टेन फाई क्या होगा, एक्स बाई आर 3/3। बोलो बच्चों इज वन, ये किसका वैल्यू है 45 डिग्री बच्चों। अरे इसमें कुछ भी नहीं होता, इस टॉपिक में पाइथागोरस होता है, ये 4 लोग हैं आर एक्स जेड फाई, और ये आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। हाँ जी, सो आंसर इज थर्ड बच्चों, 45 मतलब कितना होता है 5/4, ये तो आता है ना कन्वर्ट करना डिग्री को रेडियन में। हाँ जी ऐसा मान के चल रहा हूं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
हाँ जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसमें बहुत लोगों की किस्मत ने साथ दे दिया था बच्चों, मुझे पता है। पर रियल कहानी अलग है इसकी, इस क्वेश्चन की। हाँ जी ये भी क्वालिटी क्वेश्चन है। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वोल्टेज की बातें करेंगे, क्या पूछा आर एम एस वैल्यू, उसका स्क्वायर करेंगे। देखो बोलते आर एम एस है, करते एस एम आर है, ये आर एम एस की जगह क्या करेंगे, स्क्वायर, पहले स्क्वायर करते हैं फिर मीन, फिर एवरेज या मीन दोनों का मतलब एक है। थर्ड नंबर पर ये गलत है मिस्टर पीयूष, चेक कीजिएगा बच्चों, स्क्वायर करेंगे ये, तो स्क्वायर कितना होगा, वी नॉट का स्क्वायर होगा। मीन, मीन खराब है, मीन का मतलब होता है इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल, सुनाई क्या नाम। ये नीचे बनाने जा रहा हूं बच्चों, या ऐसा करो यही बना देते हैं, एवरेज चाहिए उसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे डीटी, लेकिन वहां 0 से T/2 तक ही अवेलेबल है इंटीग्रेशन, T/2 से T 0 हो रहा है बच्चों, लेकिन इंटरवल है ना वो T-0 आएगा, इसे कहते हैं एवरेज। ये अब ये जो आया इसके रूट करने को ये आरएमएस वैल्यू कहते हैं बच्चों, ये हो गया। बोलते आरएमएस हैं इसको बोलते हैं, हाँ जी बोलते 3:1 है, करते 1:2:3 है, पक्का क्या, चेक कीजिएगा बच्चों क्या बाहर जा रहा है, याद रखना अंडर रूट लगा हुआ है, वी नॉट स्क्वायर, टी जैसे का जैसा, किसका इंटीग्रेशन बचा, टी टी का, और कहां से कहां तक, ये मैथमेटिक्स है ये, थोड़ा सा बोलना बच्चों, ये टी डी टी का क्या होगा, टी याद रखना अंडर रूट बाहर चल रहा है, ये क्या होगा 0 से T/2, सोल्व कर लीजिए, अब इजी हो गया। यस मिस्टर पीयूष आंसर इज थर्ड, चेक कीजिए कैसे, यहां T/2 आया बच्चों, 0 भरा तो 0 आया, उसे तो लिखो तो लिख दो आपकी मर्जी है, और ये याद रखना 1/2 चला आ रहा है। हाँ जी तो टी से टी कैंसिल हो गया, किसका रूट, ये लास्ट में लिख रहा हूं, क्या आएगा इसका रूट बोलो बच्चों, तो ये वही आ गया था। हाँ जी जो गलती से आपको रटाया जाता है, पर जिस दिन ग्राफ ऐसा आ गया बच्चों, ऐसा ये 0 ये टी ये वी नॉट, पता है क्या इसका आर एम एस क्या होता है, V0/√3 बच्चों, प्रोसीजर क्या है, ये 1:2:3 से पास करते हैं,
तो बच्चों ये थर्ड नंबर था, लेकिन इसमें ग्राफ का नेचर बदल दिया ना, ये टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम बनाइए बच्चों। कभी गलती नहीं होगी। हाँ जी, करंट में क्या, करंट पूछा है, वो भी फ्रीक्वेंसी डबल होने पर। क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों, 2011 मेंस का क्वेश्चन है ये। प्री और मेंस दो एग्जाम हुए थे, दोनों ऑब्जेक्टिव हुए थे। 11 और 10 में 9 तक सब्जेक्टिव होता था मेंस, 6, 7, 8, 9, ये 4 साल सब्जेक्टिव रहा है बच्चों। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा बच्चों। कैसे डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ये आपके पास रेजिस्टेंस 30 है बच्चों, ये इंडक्टर XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 20 ओम। कब, जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है बच्चों। ये 50 हर्ट्ज, अब फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे ना, आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ये आर 30 ओम ही रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी डबल करने पर एक्सएल डबल हो जाएगा बच्चों। ये देखो, इसको बोल सकते हो एक्सएल डैश, वो 40 ओम हो जाएगा। बताओ क्यों, ओमेगा के प्रोपोर्शनल है, और आपने ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया बच्चों। हाँ जी, ये 200 वोल्ट, ये 100 हर्ट्ज है बच्चों। तो बोलो, आई पूछा ये इस सेकंड सर्किट में, क्वेश्चन बदल दिया उसने, 50 हर्ट्ज से कितनी कर दी फ्रीक्वेंसी डबल। तो फ्रीक्वेंसी डबल करने पर रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इंडक्टेंस का वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू डबल हो जाएगा बच्चों। फिर पाइथागोरस से ये देखो यार, बेस दिखाता है ये एक्स, एल डैश एक्स दिखाता है 40, ये 30, ये 40, तो जेड होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 50 ओम बच्चों। क्यों, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो जेड आ गया। और आई, आई क्या होगी, ई बाई जेड। ई कितना है 200, जेड कितना है 50 ओम, तो आंसर कितना बच्चों, 4 एम्पियर। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, अपर्णा जी बिल्कुल आंसर सही दिया है आपने। बढ़े आगे, तो आंसर इज सेकंड बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेक कीजिएगा बच्चों, बनाइए। कुछ समझ आ रहा है क्वेश्चन? देखो पहले आरएलसी सर्किट था, मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये आरएलसी सर्किट था, ये एसी सीरीज सर्किट। अब क्या किया, पहले इंडक्टर हटाया तो कौन बच गया, आरसी। इंडक्टर हटाने के बाद आरसी सर्किट है तो पता है क्या आपको, यहां करंट आगे होगी, करंट का फेज पाई बाई थ्री है, यानी यहां का करंट का फेज का फॉर्मूला, ये कैपेसिटर को नेगेटिव लिखा जाता है बच्चों, पहले इसका टेन फाइव लिख देता हूं। ये होता है वी एल माइनस वी सी बाई वी आर, या वही परपेंडिकुलर और बेस है, एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। चेक कीजिएगा बच्चों, तो यहां आया माइनस वी सी बाई वी आर, या एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है वो, तो आई कैंसल आउट हो जाता है। ये टेन फाइव वन है। अब क्या किया बच्चों, दूसरे केस में कैपेसिटर हटा दिया तो कौन रह जाएगा, इंडक्टर। ये इंडक्टर बच्चों, फिर भी फाइव वही आया, क्यों, इसमें से इंडक्टर को तो कैपेसिटर को हटा दो, हटाते ही क्या आया बच्चों, टेन फाइव टू वी एल बाई वी आर, या फिर एक्सएल बाई आर, ये दोनों इक्वल हैं बच्चों, टेन फाइव वन बराबर टेन फाइव टू, इसका मतलब समझते हो मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा वी सी बाई वी आर, वी एल बाई वी आर इक्वल है, कैंसिल हो गया। और जब VL बराबर VC होता है तो रेजोनेंस कंडीशन होती है, और तो ये रेजोनेंस कंडीशन की एक और कंडीशन है, जब इंडक्टर हटाएं तो फेज डिफरेंस वही बना रहे, कैपेसिटर बनाएं तो भी वही बना रहे, तो इसे कहते हैं रेजोनेंस। हाँ जी, ये रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस कंडीशन पे RLC सर्किट बिहेव लाइक R सर्किट, फाइव जीरो होता है, और फाइव जीरो है तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाइव, इसे कहते हैं पावर फैक्टर, तो वो वन हो जाएगा बच्चों, कॉस जीरो कितना होता है वन, और वन कौन सा ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन है, दोनों के गलत हैं। हाँ जी, पाई बाई थ्री फेज नहीं है बच्चों, ये रेजोनेंस पावर फैक्टर इसका पूछा है, इस सर्किट का पावर फैक्टर पूछा है। यस, आंसर इज वन। रेजोनेंस कंडीशन पे हमेशा पावर फैक्टर वन होता है बच्चों। हाँ जी, धीरता से आंसर दीजिए, हैव द पेशेंस। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता है, कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है,
बहुत स्कोरिंग टॉपिक है बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों, ये पावर हमने कितनी बार पढ़ ली है, एवरेज पावर क्या, ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाई, या भी हमारे पास पीक वैल्यूज गिवन है ना, वही यूज करो। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो बच्चों, ई नॉट कितना है, वन बाई रूट टू। आई नॉट भी कितना है, वन बाई रूट टू, और याद रखना वन बाई टू पहले से है। एंड कॉस कितना है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया वन बाई टू, एक वन बाई टू, और कॉस पाई बाई थ्री भी वन बाई टू बच्चों। यस, वन बाई एट बच्चों, बिल्कुल सही है गोदारा जी का आंसर। क्लियर बच्चों, थोड़ा डेटा अच्छा है। ये पाई बाई थ्री क्या है, फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट में, वोल्टेज आगे है तो कैपेसिटर जीत रहा है, किससे, इंडक्टर से। एक्सी इज लीडिंग, हाँ जी बच्चों, तो कौन सा आंसर गया, क्लियर सबको आया समझ में बच्चों। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाइए। देखें एम्स 2012 इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है बच्चों। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। पढ़िए बच्चों, ये आप सबको मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज रहा हूं बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन को बाद में सोल्व करते हैं, ताकि आपको और भी कोई प्रॉब्लम है इस ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको मैं मटेरियल भी भेजूंगा। हाँ जी बच्चों, ये मेरा लिंक है, मैंने शेयर किया है आपको। चलिए बच्चों, इस ग्रुप पे जुड़ जाइए आप लोग। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ाते हैं, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेक करना बच्चों, वोल्टेज दिया है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। कितना, क्या फॉर्मूला होता है वोल्टेज और उसमें एल डी आई डी टी। आई कैसे फाइंड करोगे बच्चों, वी एल बाई एल इंटू डी टी इज डी आई, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तब आई आएगा। तो आई क्या होगा, वन बाई एल वी डी टी का इंटीग्रेशन होगा,
ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, 1/L, v वहां से उठा के रखा बच्चों, v नॉट साइन ओमेगा टी डीटी, चेक करना बच्चों आई कितना आया, 1/L, v नॉट भी जैसे का जैसा बाहर आ गया, साइन कुछ का इंटीग्रेशन है, माइनस कुछ कॉस कुछ होता है बच्चों, और इसमें ओमेगा नीचे आता है इंटीग्रेशन में, तो ये करंट का वैल्यू है। ये इसलिए गड़बड़ होती है बच्चों को, यहां लिखने जा रहा हूं करंट, बोलो कितना, ए आई, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बोलो पावर क्या होती है, वी आई, तो क्या आया, माइनस ओमेगा एल, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और 2, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, पक्का क्या बच्चों, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये देखो ये 2, ये 2, बताओ इसको क्या लिखते हैं, साइन 2 ओमेगा टी, तो फाइनल आंसर इज माइनस वी नॉट स्क्वायर 2 ओमेगा एल एंड साइन 2 ओमेगा थीटा या 2 थीटा, नो जी आंसर इज थर्ड नॉट 4, आंसर इज थर्ड बच्चों, यस, ये जो मैंने सर्कल में किया है उसको साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन है, भाई वालों को थोड़ा सा डिफिकल्टी फील कराएगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ गया है पाइथागोरस, बोलो बच्चों बोलिए बच्चों, पाइथागोरस को फिर बनाने जा रहा हूं, चेक करना, क्या आएगा बच्चों, ये रेजिस्टेंस परपेंडिकुलर है यार, 5 ओम, क्या होता है एक्स, एक्स ये नया सिंबल यूज कर रहा हूं, इसका मतलब होता है डिफरेंस, या तो जैसे यहां एक्सी माइनस एक्सएल है, क्यों, एक्सी बड़ा है बच्चों, 8 ओम में से 5 ओम गया तो 3 ओम आ रहा है एक्सी, और वो भी कैपेसिटिव जीत रहा है, कैपेसिटिव जीतता है तो करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा, और परपेंडिकुलर 3 है, बेस 5 है, बेस 4 है बच्चों, आर का वैल्यू 4 है, वो देखो मैंने कहा पाइथागोरस कैसे नहीं आ रहा, ये टॉपिक ही पाइथागोरस है, आर 4 ओम है, दोबारा लिख देता हूं, ऊपर देखो वो दिखाया, तो परपेंडिकुलर 3 ओम है, तो tan ऑफ 5 परपेंडिकुलर ओवर बेस एक्स वाई आर, तो 3/4 आएगा, तो बोलो कौन आगे होगा, या तो आई लीड करेगा फ्रॉम वी बाय दिस एंगल 5 tan inverse, पता है क्या, इससे tan को उधर भेज देते हैं, इसे ये कितना, ये या फिर ऐसे भी लिख सकता है, v is lagging, क्यों, i आगे होना v पीछे होना ही तो है,
बाय दिस एंगल, दोनों आंसर है। आज एक क्वेश्चन, तो करंट लीड्स द वोल्टेज, पहले ही आंसर है, बिल्कुल सही है, क्यों, यही तो है, आई लीड्स, पहला ही आंसर है, आई लैग नहीं करेगा बच्चों, कैपेसिटर जीत रहा है, कैपेसिटर जीतता है तो आई लीड करता है, और इंडक्टर जीतता है तो वोल्टेज लीड करता है। सो आंसर इज फर्स्ट बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, चेक करना बच्चों, सुना है क्या आपने, इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस मैकेनिक्स एनालॉजी, ये चेक करना, मैं थोड़ा आपको, इलेक्ट्रिसिटी बायो में ही एनालॉजी नहीं होती, मैकेनिक्स में भी, मतलब ऐसे फिजिक्स में भी एनालॉजी होती है, ये जैसे जो काम यहां इंडक्टर करता है वही वहां मास करता है, कैसे, ये करंट में चेंज का अपोज करता है, वो मोशन में चेंज का अपोज करता है, तो जो यहां फ्लक्स करता है वो वहां मोमेंटम करता है, यहां इंड्यूस ईएमएफ होता है, ये डीआईडीटी, वही यहां ड्राइविंग फोर्स होता है, ये एमडीवीडीटी, जो यहां हाफ एल आई स्क्वायर करता है वही यहां हाफ एम वी स्क्वायर करता है, ये एनालॉजी है, पक्का बच्चों, अरे बोलो जी, तो कौन सा ऑप्शन गया, इंड्यूस ईएमएफ, ये दोनों, ये पूछा है उसने, ड्राइविंग फोर्स किसके इक्वल है, इंड्यूस वोल्टेज ही, बोलो बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों, पूछा गया है ये सारे क्वेश्चन है एम्स के, इंडक्टर मास के एनालॉगस है, करंट वोल्ट वेलोसिटी, मैकेनिक्स में वेलोसिटी, ये इधर फ्लक्स है, उधर मोमेंटम है, इधर इंड्यूस ईएमएफ है, यस आंसर इज फोर। चलिए बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आ गया है ये सेम क्वेश्चन, एसएचएम में, एसी में, वेव्स में, सब में पाया जाता है, हाँ जी, जनता क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा बच्चों, वोल्टेज लिखने जा रहा हूं, 120 साइन 100 पाई टी कॉस, मैंने कहा ना, लेकिन साइन कॉस एक ही होना चाहिए, तो एक साइन कॉस में, तो 120 के दो टुकड़े कर दीजिए, 16 × 2 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी, ये क्या होता है, अभी मैंने बताया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, यहां थीटा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई टी, ये तो सोल्व करने जा रहा हूं बच्चों, ये 60, ये साइन, ये 2, ये 100 पाई टी थीटा, लो खत्म हो गया क्वेश्चन, बोलो फटाक से कितना आया, 200 पाई टी, अब वैल्यू चुरानी है, कैसे, किससे कंपेयर करके, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वी नॉट का वैल्यू आपके पास आ गया,
मैक्सिमम वोल्टेज का कितना आएगा 60, ओमेगा का वैल्यू कितना है 200 पाई, ये 2 पाई एफ के इक्वल है बच्चों, पाई कैंसल आउट हो गया 2 से 100, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई 100 हर्ट्ज। ये वेव्स में भी होता है बच्चों ये क्वेश्चन, यस आंसर इज फर्स्ट बच्चों, ये सिंगल साइन कोस फंक्शन में बदलते हैं तब ये एसएचएम में भी पूछा जाता है, वहां एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, वहां टाइम पीरियड भी पूछता है, ये वेव थ्योरी का भी क्वेश्चन है, ये ईएमडब्ल्यू में भी पूछा जा सकता है बच्चों। हाँ जी बच्चों, पक्का? चलिए तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चलिए बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए, तब तक मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूं, क्वेश्चन क्या है। ये इंडक्टर एसी वोल्टेज से जुड़े हैं, उसका इक्वेशन दे रखा है बच्चों, ई नॉट, धीरे जाना ऐसे क्वेश्चन खतरनाक होते हैं, ऑप्शन चूके और माइनस हो जाएगा, एक्सेल भी आर है और आर भी आर है, मतलब परपेंडिकुलर भी आर है और बेस भी आर है, वही राइट एंगल ट्रायंगल, तो जेड अपने आप आ गया, ये तो कितना आएगा जेड रूट टू आर। अब आपको पीक वैल्यू पावर का फॉर्मूले याद है ना, ई आर एम एस, आई आर एम एस कॉस फाई, और वोल्टेज वाला फॉर्मूला ई आर एम एस का स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू आर, यह आएगा पावर। बोलो सबसे पहले तो हमको ई नॉट दिया है, तो पहले तो ई आर एम एस निकालेंगे, ई नॉट बाई रूट टू, इसलिए कह रहा हूं धीरे जाना, वहां बहुत सारा, तो यह आएगा E नॉट बाय रूट टू का होल स्क्वायर बच्चों, Z का स्क्वायर, ये इंटू R बच्चों। बोलो फटाक से क्या आएगा, टू, ये रूट टू का स्क्वायर, वो रूट टू, टू 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 फोर, ये आर आएगा बच्चों, यस आंसर इज थर्ड। बोलो बच्चों, वो मत कर देना ई नॉट स्क्वायर बाई, वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड है, ये एवरेज पावर कंज्यूम्ड है, वो ई नॉट स्क्वायर बाई आर आएगी, इससे भी कर सकते हो इसको, तो एक तरीका और बताऊं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं बच्चों, लो ऊपर सोल्व करता हूं, तरीका नंबर दो, पावर ई आर एम एस भरने जा रहा हूं बच्चों, ई नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस ढंग से भरना, ई आर एम एस अपॉन जेड होगा बच्चों, और कॉस फाई यहां से चुराना है, बोलो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना आएगा, ये आर बाई जेड, तो ये फॉर्मूला आ गया है, वैसे बात एक ही हो तो
ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू भरनी है अब तो जेड की रूट टू आर, ई आर एम एस की। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ये रिवर्स गियर में पूछा है बच्चों। अभी तक क्या होता था, बेस और परपेंडिकुलर देता था, हाइपोटेनियस और एंगल पूछता था, तो बच्चे कर देते हैं। देखो कैसे, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, ये देखो क्या होता है यार, ये एक्स, ये जेड, ये फाई। तो देखो जब बच्चों को आर एक्स दिया है ना, बच्चे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, जेड फाई में। जेड तो पता है उनको, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, और टेन फाई भी पता है बच्चों कितना, एक्स बाई आर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जिस दिन ये जेड फाई दे देना बच्चों, ये जेड फाई दिया है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जेड दिया है और फाई दिया है, तो पता है क्या आपको, यार कोस कॉम्पोनेंट होता है किसका, जैसे वहां होता है ना मैकेनिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन में, इधर से वेलोसिटी इधर है तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कितना होता था, वी कोस फाई। तो यहां आर है ना, वो जेड का कोस कॉम्पोनेंट है और एक्स साइन कॉम्पोनेंट है। अरे जेड के एक्स वाई कॉम्पोनेंट ही है आर और एक्स, तो उसने आर पूछा है और रिएक्टेंस पूछा है, तो निकाल लो ना बच्चों, एक्स और वाई कॉम्पोनेंट निकालना नहीं आता क्या, आर क्या होगा, जेड दे रखा है 50। पहले तो ये स्टाइल पता है क्या जेड लिखने का, ये जेड का वैल्यू है, ये एंगल है, ये 50 एंड कॉस पाई बाई 6, ये तो और वहां से चुराओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 50 साइन पाई बाई 6, तो ये तो कितना आ गया 50 पाई बाई 6, पता है क्या रूट 3 बाई 2, और ये 50 इंटू 1 बाई 2, तो ये 25 रूट 3, ये तो रेजिस्टेंस, और ये 25 ओम, ये रिएक्टेंस। तो उसने पहले रेजिस्टेंस पूछा है तो 25 रूट 3 आएगा, सो आंसर इज सेकंड बच्चों। अरे भाई वेक्टर बन गया है जेड, तो जेड का एक्स कॉम्पोनेंट आर है और जेड का वाई कॉम्पोनेंट कौन है, एक्स है बच्चों। हाँ जी, तो आज का सेशन खत्म होता है बच्चों, एक क्वेश्चन और रखा है मैंने, ये आपकी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। कभी इलेक्ट्रिसिटी के वायर देखे हैं आपने, कौन से इलेक्ट्रिसिटी के, वो पावर लाइन है जो आपके घर में एसी ला रही है। हाँ जी, वो एक वायर नहीं होकर बहुत सारे वायरों का बंच है, या मार्केट में आप वायर खरीदने जाए ना बच्चों पक्का, तो दो तरह के वायर मिलते हैं, एक का प्लास्टिक छिले एक ही कॉपर वायर निकलता है, और एक का प्लास्टिक छिले तो उसमें बंच ऑफ कॉपर वायर निकलते हैं, जबकि मटेरियल दोनों में यूज इक्वल किया गया। तो सुनो, एसी सरफेस से जाता है बच्चों, किससे जाता है, सरफेस से, इसे कहते हैं स्किन इफेक्ट। अब जब मोटे वायर को थिन वायरों में कन्वर्ट करते हैं ना, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो एसी ले जाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है बच्चों। तो पूछा है उसने कि एक तो दो केबल है, एक तो सिंगल कॉपर है एक्स का, और दूसरे में 15 वायर है एक्स बाई 15 के। देखो मटेरियल सेम हो गया क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई एक्स ही आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई भी एक्स है, वो तो एक्स है ही। अब लेकिन वो ज्यादा अच्छा होता है जिसमें मल्टी स्ट्रैंड वायर है बच्चों, तो फ्लो ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एसी कौन सी, केबल बी इज मोर सुटेबल। इसीलिए तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के वायर देखे ना आपने पोल वाले,
वो एक वायर नहीं होकर बंच ऑफ वायर क्यों बनाते हैं? क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले पागल है क्या? हाँ जी, मोटे वायर को पहले पतले तारों में तोड़ते हैं और फिर उनको मोड़कर वापस एक बनाते हैं, एक ही रहने देते। तो बच्चों, जब मल्टी स्ट्रैंड वायर में कन्वर्ट करते हैं ना, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो एसी ले जाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है बच्चों। तो ये आपका केबल बी इज मोर सुटेबल देन ए। किसके लिए? एसी के लिए। पर डीसी होता ना तो बोथ केबल आर सेम सुटेबल। तो ध्यान रखना इसका, पक्का? चलिए जी बच्चों, आगे बढ़ाते हैं। ये आज का लास्ट, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए बच्चों। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, जीएस सर। मैंने आज चैटिंग में आपको टेलीग्राम लिंक भी दिया है। हाँ, पोस्टपोन्ड होगा? होगा नहीं, हो चुका, डेट अभी आना बाकी है बच्चों। हाँ जी, क्लियर है सबको? तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और रेफरल कोड के लिए जीएस सर मेरा कोड लीजिए। और जब आप कोड अप्लाई करेंगे तो एक और चीज है, आप मेरी मेंटरशिप में आ जाएंगे अपने आप। उसमें आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, किसी में भी प्रॉब्लम है, आप मेरे लिंक पर हिंट भेजिए बच्चों। मैं आपके जितनी भी दूसरे टीचर से, बायो और केमिस्ट्री तो मैं समझाऊंगा नहीं, उनसे कंसर्न करके आपकी प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा कि हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है। पक्का ना बच्चों? तो बच्चों को बोलिए जितना ज्यादा, और ये फ्री क्लासेज है ये वाली। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। 7 बजे मिलेंगे बच्चों, 7 o'clock।